देश के उत्तरी मैदानी इलाकों के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। बात अगर दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की करें तो यहाँ लोग गर्मी से झुलस गए हैं। तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली समेत तमाम उत्तर भारत के राज्य यूं ही गर्मी से बेहाल हैं। राजधानी दिल्ली में रविवार को पारा 49 डिग्री तक पहुँच गया। मंगेशपुर और नजफगढ़ में पारा 49 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच गया। आपको बता दें कि इतना तापमान आज तक दिल्ली में कभी दर्ज नहीं हुआ है। 49 डिग्री के टेम्परेचर का टॉर्चर झेल रहे दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर ये है कि मौसम विभाग के मुताबिक आज आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में आज धूल भरी या फिर सामान्य आंधी भी चल सकती है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जो कल के मुकाबले लगभग 4 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। 18 मई के बाद एक बार फिर तापमान बढ़ेगा। मई में फिलहाल मौसम का ये उतार चढ़ाव जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान से गर्म हवाएं तेजी से दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ रही थी। इन्हीं हवाओं से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में अभी ये गर्मी जारी रहेगी। विदर्भ, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी गर्मी का कहर जारी रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भी भयंकर गर्मी में झुलस रहे हैं। बांदा में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पिछले लगभग एक हफ्ते से ही उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ऐसी ही जबरदस्त तपिश का दौर जारी है। अभी यहां राहत की खबर नहीं है। हालांकि पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। उधर दक्षिण भारत के राज्यों में प्री मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दस्तक देने से कई दिन पहले ही केरल में बारिश का दौर शुरू हो गया है। केरल में अभी जोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं असम में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आंतरिक तमिलनाडु और लक्षद्वीप में अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और कर्नाटक में हल्की बारिश की संभावना है। ओडिशा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बारिश हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।